आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं आज आपको इस वीडियो में लोकसभा और राज्यसभा के बीच में डिफरेंस बताऊंगा। देखिए, जो लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द एलिजिबल वोटर्स, यानी कि जो वोटर होते हैं उनके द्वारा डायरेक्टली सिलेक्ट होते हैं जनता के द्वारा। वोटर्स इंडिया में कौन होते हैं? जिनकी उम्र जो होती है 18 साल से अधिक होती है और जिनके पास एक चुनाव आयोग के द्वारा एक पहचान पत्र बनाया जाता है वो उनके पास होना चाहिए वोट देने के लिए, और जो वो वोट कर सकता है किसी भी चुनाव में, चाहे लोकसभा हो चाहे MLA, कोई चुनाव हो, जो लोकसभा चुनाव होता है उसमें ये वोट ऐसे करते हैं। ठीक है, जो एक राज्यसभा जो होता है वोटर किस में वोट करते हैं? डायरेक्टली जो चुनाव होता है उसमें, प्रत्यक्ष चुनाव में। राज्यसभा जो होता है वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, इसमें कौन वोट करते हैं? इसमें जिस राज्य का राज्यसभा सांसद का चुनाव होता है उस राज्य के MLA इसमें वोट डालते हैं। उसका जो नॉर्मल लाइफ जो होता है लोकसभा का 5 साल होता है, इन 5 साल बाद ये मतलब चेंज हो जाता है, इसमें फिर नई सरकार आती है, दोबारा चुनाव होता है। और जो राज्यसभा होता है वो चेंज नहीं होता, क्योंकि उसमें हर 2 साल के बाद एक जो मेंबर होते हैं वो रिटायर होते हैं और उनकी जगह नए मेंबर आ जाते हैं। और जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होता है लोकसभा का वो 552 होता है, और राज्यसभा का जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होता है 250 होता है। लोकसभा जो होता है मोर पावरफुल देन राज्यसभा, राज्यसभा लेस पावरफुल देन लोकसभा। इसी वजह से साफ बात है भैया जी, सीधी बात है, क्योंकि लोकसभा का जो मेंबर की संख्या वो ज़्यादा है। और एक बात ये भी कि लोकसभा जो जनता द्वारा चुना जाता है, और एक बात ये भी है कि जो लोकसभा में जिसकी बहुमत होती है उसी की सरकार होती है। तो ये सब वजह है जिसकी वजह से जो लोकसभा है वो ज़्यादा पावरफुल है देन राज्यसभा। और आप लोगों को एक बात ये भी पता होगा कि लोकतंत्र में बहुमत का ही बात होता है, जिधर संख्या है वही अपने आप में बहुमत है। तो लोकसभा में मेंबर की जो संख्या ज़्यादा है। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।